बिहार के भोजपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में अपराधियों ने पति एवं पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। आपको बताते चले कि भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र के उड़नडीह गांव के रहने वाले संतोष कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ पीरो रेलवे स्टेशन के पास मकान बनवा रहे थे, शाम को अपने गाँव जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने पति एवं पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी आराम से भाग निकले हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कौन से लोग थे, कितने लोग आए थे मारने? तीन तीन। क्या नाम है उनका? संतोष सिंह। आप कौन होते हैं? मेरे हस्बैंड है। आपका क्या नाम है? जी यहाँ पर लगा है। आपका क्या नाम है? सुमन। विदित हो कि रविवार की शाम बाइक सवार अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दी है। इस घटना में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मी महिला का नाम सुमन देवी, पति संतोष सिंह और संतोष सिंह पिता रामायण सिंह बताया जाता है। पीरो के स्टेशन रोड के समीप की घटना बताई जा रही है। आनंद फानन में प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों पति पत्नी को पूर्व की दुश्मनी में गोली मारी गई है। जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधी तीन के संख्या में बताए जा रहे हैं।